समझिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने पास से जो बुक है उसमें एनसीईआरटी में फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अच्छे क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है। अल्टरनेटिंग करंट, सब लोग अपने अपने पास एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 100 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सप्लाई। रेजिस्टेंस दिया है आपको 100 ओम और सप्लाई दी है 220 वोल्ट की। जो ये सप्लाई दी रहती है ना, ये आरएमएस होता है। क्या होता है ये? आरएमएस। और फ्रीक्वेंसी दी है कितनी? 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट? वी इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इक्वल होगा वी बाई आर। समझ रहे हैं बात को? तो आई इज इक्वल टू, वी कितना है 220, आर कितना है 100, कितना आएगा 2.2 एम्पियर। ये भैया करंट आरएमएस, ठीक है। और क्या चाहिए अपन को? नेट पावर। तो नेट पावर आपको पता ही कितनी होती है? वी आई, ठीक है। तो वी कितनी है बताइए? 2.2। और आई कितना है बताओ? आई कितना है, ओ सॉरी, आई है 2.2 और वी कितना है 220। करो मल्टीप्लाई, 484 एक के बाद डेसिमल, ठीक है, 484। समझाइएगा, 484 वाट। ये आ गई भैया पावर। क्या समस्या है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? बन जाएगा। और देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है एसी सप्लाई की। छाप लीजिए जल्दी से इसको फर्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करिए भैया। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई इज 300 वोल्ट। मतलब वी नॉट कितना है? 300 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या? वी नॉट अपॉन रूट टू, 300 रूट टू अपॉन टू, तो 150 इंटू 1.414 जीरो, 15 4 60, कैरी कितना? 6, 15 15 21, कैरी 2, 15 4 60, 60 इंटू 62, 15 15 21, तीन के बाद डेसिमल, 212.1 वोल्ट। ये भैया आरएमएस, भी आरएमएस, ठीक है। और क्या चाहिए? द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट? अरे यार, आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू। आई आरएमएस है 10, तो आई नॉट क्या होगा? आई नॉट होगा 10 रूट टू। लो भैया कर लेना मल्टीप्लाई, 14.14 एम्पियर। कोई दिक्कत है किसी को बताओ? आ गया समझ में? छाप लिए हैं, छाप लिए हैं, बड़े आगे। चलिए समझिएगा, अब 44 मिली हेनरी इंडक्टर, ठीक है, 44 मिली हेनरी इंडक्टर, 44 इंटू 10^-3 हेनरी, ठीक है। इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। वी कितना है? 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, ठीक है। एसी सप्लाई डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। करंट आरएमएस की वैल्यू चाहिए, तो इंडक्टर लगा तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा? वी बाई एक्सएल। और एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ओमेगा एल, है ना। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2πf L। जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। वी कितना है? 220। 2π मतलब 6.28 और f कितना है? 50 और l है माधव 3.14। F कितना है? 50। L कितना है? 44 इंटू 10^-3, 44 पंचे 120, 5 दाम 50,
है ना, 10 × 20 आई इक्वल का आ रहा है 1/, ये 10 तो माइनस 2 बचेगा, 6.28 × 10⁻²। ऊपर जाएगा तो प्लस 2 जाएगा, 100/6.28 है ना, 2 से काटो भला 50 बचेगा यहाँ पे ना, 50/3.14 कितना आएगा लगभग यार, 50 18 × 54 57 × 51 अप्रोक्सीमेट 16.5। यहां भी एक करंट 16.5 एम्पियर अप्रोक्स। क्या मुश्किल है बताओ, क्या प्रॉब्लम बोलिएगा, क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, नोट करो भैया जल्दी स्प्लिट से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। छापिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, फोर्थ वाला भी इसी की फोटो कॉपी है, देख लीजिए 4 देख लीजिए। है सारे क्वेश्चन बताए दे रहे हैं, कर लेना अब आपकी मर्जी है, अब आप करो फिर हम आपका वेट करें फिर ऐसा, मतलब एक्चुअल में तो अभी तक क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे सारे के सारे, है ना, क्योंकि जब से चैप्टर चल रहा है मैं हर दिन बोल रहा था, हर दिन बोल रहा था, जितने जितने टॉपिक हो गए भैया घर पे जाके सवाल लगा लेना, जितने टॉपिक हो गए सवाल लगा लेना, मतलब डेली बोलता था मैं तो। फोर्थ क्वेश्चन, 60 μF कैपेसिटर, तो सी की वैल्यू है 60 μF 10⁻²⁶, ठीक है आगे समझिएगा। इसके बाद है सप्लाई लगी 110 वोल्ट की, 110 वोल्ट ठीक है, फ्रीक्वेंसी है कितनी 60 हर्ट्ज, ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, वही चीज सेम, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन एक्ससी, एक्ससी का फॉर्मूला क्या 1/ωc, और ओमेगा मतलब क्या बताओ 2πf, फिर सी सब वैल्यू पुट कर दो, 110 2 3.14 60 सही जा रहा हूं मैं, इंटू 60 × 10⁻², कितना −6 आ गया समझ में, सॉल्व कर लो यार, 110 3600 2 × 3.14 × 10⁻⁶, देखो 3 तो चले गए, 11 × 36 × 2 × 3.14 × 10⁻³⁾ⁿ3, अब कर लो मल्टीप्लाई यार, है ना, आई आर एम एस निकाल आएगा, क्या प्रॉब्लम बताओ, क्या मुश्किल है बोलिए, क्या समझ नहीं आया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसका आंसर आ जाएगा, आसान है ना बहुत, बोलिए बन जाएगा, मिटाएं छापिए जल्दी छापिए। अब पांचवें क्वेश्चन में कहता है कि जो 7.3 और 7.4 क्वेश्चन था उसमें नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल पता करो, कंप्लीट साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगी, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि दोनों में नेट पावर कितनी आएगी 7.3 और 7.4 में, बोलो एक कंप्लीट साइकिल में नेट पावर एब्जॉर्ब कितनी आएगी बताओ जल्दी से, क्यों लीड करते हैं, हाँ दोनों में करंट और जो ईएमएफ है वो एक दूसरे को पाई बाई टू एंगल से लीड या लैग करते हैं, ठीक है ना, किसी में लैग करते हैं किसी में लीड करते हैं, ठीक है सही है। छठवा क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट, एल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 एल इज इक्वल्स टू 2.0 हेनरी, सी इज इक्वल्स टू 32 μF है ना, और आर इज इक्वल्स टू 10 ओम, क्या पता करना अपन को, क्यू फैक्टर पता करना है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता करनी है, जल्दी से पता करो सब लोग, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्यू फैक्टर फाइंड करके हमको जल्दी से बताओ, रेजोनेंट फैक्टर और क्यू फैक्टर और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दोनों चीज जल्दी बताओ, आ गया आंसर, फॉर्मूला क्या लगाया तुमने क्यू फैक्टर का,
ओमेगा आर एल अपॉन आर। तो पहले तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बताओ तो हमको है? वो कैसे निकाली? ओमेगा आर इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एल सी। ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का नहीं है, ओमेगा आर का फॉर्मूला है। तो ओमेगा आर कितना आएगा पता आपको? ओमेगा आर आएगा वन अपॉन रूट ऑफ एल, एल मतलब कितना टू, सी मतलब कितना 32 × 10⁻⁶। तो कितना मिलेगा आपको ओमेगा आर मालूम है? 1/8 × 10⁻³। ऊपर चला जाएगा ये, तो ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1000/8। कितना आएगा? 8 × 8 = 20, 8 × 8 = 16, 8 × 5 = 40। तो ओमेगा आर की वैल्यू 125 आई है। ओमेगा आर क्या होता है? 2 πfr 125। एफ आर कितना आएगा? 125/2π। कितना आएगा बोलो? 125/2π। ये है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और आपको चाहिए क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ओमेगा आर एल बाई क्या आर। तो ओमेगा आर कितना है बताओ? 125। एल कितना बताओ? 2। और आर कितना है बताओ? 10। बहुत कम है यार, 2 × 5 = 10, 25 × 5 = 125। 25 वाला क्वालिटी फैक्टर आया किसी का? बोलिए, आया समझ में? बोलो जल्दी से, किसी कोई मुश्किल? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, एक कैपेसिटर है वो इंडक्टर से अटैच कर देते हैं, ठीक है। क्या कह मैंने इसमें? कैपेसिटर की वैल्यू है 30 μF और इसमें क्या लिया है? कनेक्टेड टू अ इंडक्टर, कितने इंडक्टेंस वाला? 27 mH इंडक्टेंस वाला, ठीक है। आप जल्दी से बताओ कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, जल्दी बताओ। एंगुलर फ्रिक्वेंसी एल को सी के साथ अटैच किया, ठीक है। अब बताइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अच्छा देखो भैया, क्या होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी? 1/√ क्या? एल सी। क्योंकि है क्या कि इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा और कैपेसिटर की वजह से इंडक्टर में करंट आएगा। जो भी ऑसिलेशन होना है उन्हीं के बीच में होना है, मतलब एक्सएल इज इक्वल टू कितना? एक्ससी। तो 1/ क्या आएगी वैल्यू? 1√ मतलब कितना? 27 × 10⁻³। और सी कितना आएगा? 30 × 10⁻⁶। समझिएगा, 1/√810 × 10⁻⁹। तो आएगा 81 × 10⁻⁸। क्या मिलेगा आपको? 10⁴/9, मतलब 10000/9। 9 × 9 = 9.1। इतनी फ्रिक्वेंसी आएगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। छाप लीजिए, छापिए भैया, देखिएगा। IRMS into cos phi, VRMS into IRMS into cos phi। देखिए, समझिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9th। 9th में R कितना दिया आपको? 20 ओम। L कितना दिया? 1.5 हेनरी। और C कितना दिया है? 35 μF। क्वेश्चन में कहता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई कितने की दी है? 200 वोल्ट की, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट के बराबर हो जाए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को इस चैप्टर में क्या बोला गया? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वो क्या हो जाए? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाए। मतलब कि ये रेजोनेंट कंडीशन की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है रेजोनेंट कंडीशन। तो एट रेजोनेंस क्या होगा बताइए? जेड इज इक्वल्स टू आर। एट रेजोनेंस जेड इज इक्वल्स टू क्या होगा?
आर होता है ना भाई, इंपीडेंस कितना बचता है, आर बचता है। चाहिए क्या अपन को, व्हाट इज द एवरेज पावर, है ना। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन में जब जेड इक्वल आर हो जाता तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई जेड, तो कॉस फाई का फॉर्मूला आर बाई जेड, मतलब कॉस फाई इक्वल वन, मतलब फाई की वैल्यू जीरो डिग्री, तो पी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो वी आर एम एस तो गिवन है आपको कितना है 200, तो आई आर एम एस कैसे निकालोगे आप, वी बाई जेड, आई आर एम एस कैसे निकालोगे बताओ, वी बाई जेड, और जेड इक्वल क्या हो चुका है, आर हो चुका है, तो वी कितना है 200 और जेड कितना है 20, 10 आ जाएगा 10, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितनी आएगी 2000 वाट, मतलब 2 किलोवाट आएगी, कितनी आएगी 2 किलोवाट। क्या समस्या है बताओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है, आया किसी को समझ में, क्यों प्रखर, क्लियर हुआ, और बोलो क्या मुश्किल है, जल्दी से, नौवां भी हो गया, दसवां देख लो, दसवां, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द पोर्शन मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 किलोहर्ट्ज से लेके 1200 किलोहर्ट्ज तक, इफ इट्स एलसी सर्किट हैज एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, है ना, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। क्या दिक्कत भैया, फ्रीक्वेंसी दी है आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1200 दी है, तो ओमेगा इज इक्वल टू से कर लेना सॉल्व, क्या दिक्कत बताओ। क्वेश्चन नंबर 12th बनेगा आपसे, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 1200 दी है, ठीक है, तो आप 1200 से क्या लगा देना, 1/√LC लगा देना, कोई दिक्कत है, बन जाएगा, एल की वैल्यू दी है, सी बस सही है, स्क्वायरिंग करके आ जाएगा। 11 देख लो, 11th में क्या दिखा बताओ, 11th का डायग्राम देख के क्या लग रहा आपको, 11th का डायग्राम देख के क्या लग रहा है, जल्दी बोलो, हाँ सीरीज LCR है, वो भी क्या है, सीरीज LCR है। 11th क्वेश्चन देख लो यार, सब कुछ दिया है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समझ लो यार, FR चाहिए, FR का फॉर्मूला क्या था, 1/2π√LC, चलो बताओ क्या आएगा, L की वैल्यू बोलो कितनी है इसमें, 5, C कितना है बताओ इसमें, 80 माइक्रोन, 80 × 10⁻⁶, FR इज इक्वल टू 1/2π, 8×5 = 420, 10⁻³, कितना आएगा बताओ, 1000/40π, ऊपर नीचे पाई का मल्टी डिवाइड कर दो, पाई स्क्वायर को अपन 10 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 10, 400, 2 जीरो कट जाएंगे, तो 31.4/4, 4 × 7 = 28, 4×8 = 32, 4×5 = 20, 7.85, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 7.85। सेकंड क्या है, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ सर्किट, इंपीडेंस ऑफ सर्किट क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू √ क्या, R² + XL − XC² चाहिए बताओ, XL − XC² और ये दोनों चीजें ना आपको रेजोनेंटिंग फ्रीक्वेंसी पे चाहिए है, मतलब जेड इज इक्वल टू आर, कितना आर गिवन है क्वेश्चन में 40 ओम, इंपीडेंस चाहिए I0 बराबर क्या आएगा, V0/R, V0/Z, I0 क्या आएगा बताइए, V0/ कितना जेड, V0 गिवन है क्या इसमें, V0 है क्या, I0 V0/R, V0 नहीं दिया, तो V0 इज इक्वल टू क्या आएगा, Vrms × √2, 230 × √2/resistance कितना है 40 ohm, कर लीजिए मल्टीप्लाई, I0 इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 0 0 कट जाएगा, 23 × 1.414/4, ठीक है, क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो, 2392, 23 × 23 = 32, 3, 2392, 95, 23 × 32, 32.522/4,
432, 4 बन जाए 4, 4 3 जाए 12, 0, 4, 5 20, 8.1305 एम्पियर, ये है करंट एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम करंट, ठीक है। और क्या चाहिए था, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द थ्री एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट्स सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पक्की बात है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू जीरो होती है, करंट वहां से फ्लो नहीं होता, इस वजह से वहां पे क्या है, कंडीशन क्या है, जीरो रहेगी, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सारा का सारा कहां ड्रॉप होगा, अलोंग आर या अक्रॉस आर। आया समझ में, बोलिए कोई दिक्कत है 11th क्वेश्चन में, बताओ बन जाएगा। अरे बोलो भाई, कोई समस्या है, समझ नहीं आया क्या, ये बढ़िया से आ गया, ये 11 क्वेश्चन हो गए आपके। अब ये एडिशनल एक्सरसाइज शुरू होती है 12th से लेके कहां तक, 26th तक, कितने क्वेश्चन है इसमें, 15 क्वेश्चन है। छापो इसको, फिर आगे देखते हैं, नोट करिए।